हाय गाइस, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं फिर से एक नए कॉलेजेस का कैंपस टूर, कट ऑफ वगैरह हर एक चीज लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए एक कॉलेज के एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें हम निम्स के नाम से जाना जाता है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2020 में। ये गाइस हाईवे पे ही है ये कॉलेज, ठीक है। गलगोटिया कॉलेज अगर आप जानते होंगे तो गलगोटिया के बगल में है, ठीक है। परी चौक, वहां पे कोई परी चौक है, वहां से 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वहां तक परी चौक में मतलब आसपास थोड़ा डेवलप्ड है, वहां से 12 किलोमीटर दूर, थोड़ा सिटी से एकदम बाहर नहीं ले सकते हैं, 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वहां पे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद 10 किलोमीटर दूर यहाँ से मेट्रो स्टेशन है, आसपास कुछ भी नहीं है। आसपास मतलब अगर आप कुछ आसपास अगर आप देखते हैं तो इतना दूर तो आपको जाना ही पड़ेगा, 10 से 12 किलोमीटर। अगर आप कॉलेज देखते हैं 10 से 12 किलोमीटर आपको यहाँ से दूर जाना ही पड़ेगा, अगर आप कॉलेज से दूर कहीं पे घूमने का प्लान करते हैं तो, या फिर कुछ खाने पीने का प्लान करते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जैसा कि मैंने बताया 2020 में ही हुआ था, ठीक है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस इसकी 11,56,000 2020 में थी और 11,92,211 इसकी फीस अपडेटेड फीस है 2021 बैच के लिए, ठीक है। तो फीस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और अगर बात कर लूँ इसकी टोटल फीस फर्स्ट ईयर में कितनी लगी थी, तो इसमें 17,27,811 इसमें टोटल फीस लगी थी। इसमें एग्जामिनेशन चार्ज और जोड़ लीजिए, ये आपकी फर्स्ट ईयर की टोटल फीस हो गई। इसमें अगर मैं बता दूं 17,27,811 में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें गाइस इंक्लूडेड है आपका हर एक चीज, जैसे कि हॉस्टल फीस, मिसिलेनियस चार्जेस, ट्यूशन फीस, और उसके बाद हर एक फीस जो इसमें इंक्लूडेड है जो पहले साल में लेते हैं, हर एक चीज इसमें मैंने इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें सिक्योरिटी मनी 3,00,000 का वो भी इंक्लूडेड है इसमें, जो लास्ट में रिफंड हो जाता है। उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात कर लें तो इसमें फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी 350 और इसके पहले इसमें 250 गई थी, तो इसमें 100 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कुछ भी कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है, अगर बच्चे ज़्यादा आ गए, ज़्यादा नॉलेजबल हो गए तो इंक्रीज भी हो सकता है कट ऑफ इसकी, ठीक है। कट ऑफ अगर इसकी सेकेंड राउंड की बात कर लें तो इसकी 451 गई थी सेकेंड राउंड में कट ऑफ, जैसे कि मैंने बताता हूँ हर एक वीडियो मैंने बताया भी था कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ बूस्ट कर जाते हैं, तो इसकी आप देख सकते हैं 350 से 451 चली गई थी इसकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ। उसके बाद बात कर लूँ गाइस, ये नोएडा में स्थित है, जो सब लोग सोचते हैं दिल्ली से बहुत करीब है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये इससे अगर आप इसको लेने का ये सोच के प्लान करते हैं तो ये प्लानिंग आपकी बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। आपको बाद में जाके पछतावा भी हो सकता है अगर आप ये देख के इसको लेने का प्लान करते हैं कि ये कॉलेज नोएडा में दिल्ली के पास सिचुएटेड है। ये आप देख के ले सकते हैं कि एरिया वाइज अगर आप देखना चाहते हैं स्कोर कम है तो आप इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हैं। और इसमें अगर सीट की बात कर लें तो इसमें 150 सीटें हैं, और इसकी कैंपस फैसिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये अभी एनएमसी का भी बता देता हूँ, एनएमसी द्वारा अभी ये परमिटेड है, रिकग्नाइज नहीं हुआ है। पहले परमिशन मिलता है जब उसमें एक बैच निकल जाता है 5.5 ईयर का, तब इसको रिकग्निशन मिलता है। तो इसके कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो इसमें कैंपस फैसिलिटी के नाम पे बास्केटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, टीटी दिया गया है, जिम दिया गया है, लाइब्रेरी दिया गया है, ठीक है, इतना चीज इसमें दिया गया है। अब मैं पहले आपको वीडियोस और इमेजेस दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको रूम में एकोमोडेशन बताऊंगा, एसी, नॉन एसी, पेशेंट फुल, लॉन्ड्री, इंटर्नशिप, ये सब बताऊंगा। पहले आप वीडियोस और इमेजेस देख लीजिए।
गाइज उम्मीद करता हूँ आप वीडियोज इमेजेस देख चुके होंगे। तो पहले इसकी आउटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो आउटिंग टाइम अगर आपको करनी है तो गर्ल्स की आउटिंग जो होती है वो वार्डन से परमिशन लेके जानी होती है, और बॉयज की 9 to 10 PM के अप्रॉक्स इसकी आउटिंग है, ठीक है। और इसमें बॉयज कभी भी आ सकते हैं, ये इसमें कहा जाता है। एक रूम में इसमें 3 पर्सन की एकोमोडेशन है, और एसी और नॉन एसी की बात कर लें तो सिर्फ एसी की सुविधा इसमें उपलब्ध है, और एसी हैंडेड यूनिट तक आउट ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री है, हैंडेड यूनिट तक आपका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद पेशेंट फ्लो, अभी ये जल्दी ही खुला है तो इसमें अच्छा नहीं है, लो लेवल पे पेशेंट फ्लो है। और लॉन्ड्री की बात कर लें तो 10 रुपये पर कपड़े के हिसाब से इसमें लॉन्ड्री लेते हैं। और इसमें वॉशिंग स्लॉट, वॉशिंग मशीन का स्लॉट भी उपलब्ध है, खुद से भी आप जाके धुल सकते हैं, कहीं पे होगा वॉशिंग मशीन का स्लॉट, वहाँ पे धुल सकते हैं आप जाके। उसके बाद गाइस इसके इंटरनल चार्जेस की मैं बात कर लूँ तो इंटरनल चार्जेस सिर्फ आपको पेड सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जैसे इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितनी है, एग्जामिनेशन चार्ज, नंबर ऑफ सप्ली, पासिंग परसेंटेज, अनयूजुअल क्या क्या है, और एग्जामिनेशन चार्ज के अलावा क्या चार्ज इसमें लग सकते हैं, ये सब आपको पेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और आपको फैकल्टी डिटेल, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिलेगा।